वेलकम बैक टू माय वर्चुअल वर्ल्ड। आई एम एस्ट्रेलियन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस हॉट कीज एडिटर के बारे में। इसके लिए हम जाएंगे विंडोज पर। विंडोज पर जाने के बाद सेटिंग्स प्रेफरेंसेस, फिर उसके बाद जाएंगे हॉट कीज एडिटर पे। तो ऊपर मैं करता हूँ क्लिक। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक बड़ा सा मेनू, और आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे नजर आता है हॉट कीज सेट। हॉट कीज सेट डायलॉग बॉक्स की अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हॉट कीज लेयर। इन लेयर के अंदर सेव होता है हॉट कीज। आप चाहे तो कस्टम हॉट कीज लेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे सेटिंग्स आइकन पे क्लिक करें एंड यहाँ पे प्रेस करें डुप्लीकेट। डुप्लीकेट प्रेस होने के बाद आपको यहाँ पे एक छोटा सा मेन दिखेगा। आप यहाँ पे तो कस्टम मेन दे सकते हैं आपके मुताबिक। सो मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा जेड एफेक्ट्स एंड यहाँ पे प्रेस करूँगा ओके। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जेड एफेक्ट्स नाम का एक कस्टम हॉट कीज लेयर क्रिएट हो चुका है। सो आप चाहे तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। सो इसको डिलीट करने के लिए सिंपल इसको क्लिक करें एंड यहाँ पे सेटिंग्स आइकॉन पे क्लिक करें एंड यहाँ पे प्रेस करें डिलीट और यहाँ पे प्रेस करें यस। सो आपको यहाँ पे डिलीट होता हुआ नजर आएगा। सो उसके बाद आता है एडिट हॉट कीज फॉर। यहाँ पे आता है अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फोर टाइप ऑप्शंस। सो सबसे पहले हम मेनू आइटम के बारे में बात करेंगे। तो मेनू पे क्लिक करते हुए आपको यहाँ पे मेनू बाय आइटम्स टूल्स देखने को मिलेगा, लाइक मॉडलिंग, एनिमेशन, रीडिंग, रेंडरिंग, फैक्स। सो यहाँ पे मैं मेनू बाय मॉडलिंग पे जाऊंगा और यहाँ पे एडिट मैश मेनू आइटम को मैं ओपन करूंगा और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एडिट मैश के अंदर जितने भी कमांड्स या टूल्स है वो आपको यहाँ पे नजर आता हुआ दिखेगा। सो मैं यहाँ पे सिंपल प्रेस करता हूँ फ्लिप पे और यहाँ पे प्रेस करता हूँ कि राइट साइड पे डबल क्लिक। सो डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नजर आएगा एक कस्टम डायलॉग बॉक्स। सो इसके अंदर हम प्रेस करेंगे अपना कस्टम हॉट कीज। सो आपको यहाँ पे पता कैसे चलेगा कौन सा कीज हॉट कीज के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। सो उसको हम देखने के लिए राइट साइड पे जो कीबोर्ड आपको देखने को मिलता है, अगर इसमें आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जितने भी ब्लू कलर में कीज है वो ऑलरेडी हॉट कीज ऐड हो चुके हैं और बाकी जो ब्लू कलर में ऐड नहीं है वो हॉट कीज के लिए अवेलेबल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 जो है ब्लू कलर के अंदर नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ 9, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 9 ऐड हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 का कलर भी चेंज हो चुका है। और यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ सेव पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हॉट कीज सेव हो चुका है। ऐसे करके आप कोई भी आइटम्स का हॉट कीज बना सकते हो और आप चाहे तो एक स्पेसिफिक आइटम को सर्च करके उसका हॉट कीज ऐड कर सकते हो। उसके लिए हम यहाँ पे सर्च बार पर आएंगे और यहाँ पे सेट करेंगे एप्लीकेशन कमांड और यहाँ पे डायलॉग बॉक्स पे मैं सर्च करूंगा स्मूथ। सो स्मूथ लिखने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मूथ रिलेटेड जितने भी ऑप्शन या कमांड्स थे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सो आप चाहे तो यहाँ पे किसी आइटम को सिलेक्ट करें, यहाँ पे डबल क्लिक करें, आप यहाँ पे हॉट कीज ऐड करें और यहाँ पे सेव पे क्लिक करें तो हॉट कीज अपना सेव हो जाएगा। सो इसको मैं करता हूँ कैंसिल एंड उसके बाद आता है एडिटर्स। सो एडिटर्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक दूसरा डायलॉग बॉक्स देखने को मिलता है। सो अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी माया में एडिटर्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ ग्राफ एडिटर पे। सो ग्राफ एडिटर के अंदर जितने भी कमांड्स या आइटम्स है वो आपको यहाँ पे नजर आता हुआ मिलेगा। तो आप यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक आइटम को सिलेक्ट करें, यहाँ पे डबल क्लिक करें और डायलॉग बॉक्स पे अपना हॉट कीज ऐड करें और सिंपली सेव पे क्लिक करें तो आपका हॉट कीज सेव हो जाएगा। सो उसके बाद आता है अदर आइटम पे अगर सिलेक्ट करें तो आपको यहाँ पे जो मेनू बाय और एडिटर में जो ऑप्शन आपको नजर नहीं आता वो आपको अदर आइटम में देखने को मिलेगा, लाइक सिलेक्ट, पेंट इफेक्ट और भी बहुत कुछ। आप यहाँ पे चाहे किसी पे एक क्लिक करें, लाइक मैं यहाँ पे क्लस्टर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ओपन करता हूँ और आप यहाँ पे किसी भी कस्टम ऑप्शंस पे क्लिक करें और डायलॉग बॉक्स पे अपना हॉट कीज ऐड करें, यहाँ पे सेव करें तो आपका हॉट कीज सेव हो जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, कस्टम स्क्रिप्ट हॉट कीज क्रिएट करेंगे। सो इसके लिए किसी भी आइटम को सिलेक्ट करें और यहाँ पे राइट साइड पे रनिंग टाइम कमांड्स पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक कमांड यहाँ पे। सो इसको हम कर लेंगे कॉपी। सो कंट्रोल सी टू कॉपी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे प्रेस करेंगे न्यू
न्यू पे क्लिक करने के बाद कमेंट डायलॉग बॉक्स में हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कमेंट, यानी कि जो हमने कमेंट कॉपी किया था, सो यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल वी टू पेस्ट। तो उसके बाद हम यहाँ पे किसी कस्टम नाम दे सकते हैं यहाँ पे, लाइक मैं यहाँ पे नाम देता हूँ जेड एफएक्स, और यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा सेव करंट टाइम कमेंट, और यहाँ पे प्रेस करूँगा ओके। और यहाँ पे हम जाएंगे कस्टम स्क्रिप्ट पर, और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जेड एफएक्स नाम का एक कस्टम हॉट केस ऐड हो चुका है, और आप यहाँ पे डायलॉग बॉक्स पे आप किसी भी इसको ऐड करके अपना हॉट केस क्रिएट कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। सिंपली इसको सिलेक्ट करें एंड यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करें एंड यहाँ पे यस पे क्लिक करें, और यहाँ पे एक लास्ट ट्रिक दूंगा जो कि है कस्टम रीडिंग टाइम कमेंट्स को फाउंड करने के लिए यानी सर्च करके ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे सर्च बाय पे क्लिक करें और यहाँ पे रनिंग टाइम कमेंट पे क्लिक करें, और यहाँ पे अपना कस्टम मेनू आइटम जो आपने क्रिएट किया था उसका नाम लिखें, और आपको यहाँ पे सामने देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप कस्टम हॉटकेस ऐड करके सेव करके अपना हॉटकेस सेव कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, आगे वाले वीडियोस में और भी बहुत कुछ जानेंगे।